आयजा को जैसे ही तलाकनामा मौसूल होता है तो वो बहुत परेशान होती है। उसका बाप भी परेशान है। वो कमरे में जाके रोने लगती है कि फिजा आ जाती है। फिजा उससे पूछती है कि क्या तुमने साथ को ऑफिस में कुछ नहीं बताया बच्चे के बारे में? तो वो कहती है कैसे बताती, वो तो दूसरी शादी करने वाला है। ये बात उसकी फुप्पो को बहुत ही तकलीफ देती है। दूसरी तरफ साथ का बाप पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि वो फौरन से फिजा को तलाक दे दे। बस साथ जो है वो अभी सोचने की मोहलत मांग रहा है। उसका बाप फोन करता है उसकी ऑफिस की कोलीग को और कहता है कि इसको फौरन से अपने जाल में फंसा लो। मेरा बेटा गिल्ट में है, उसे गिल्ट से मत निकलने दो। वो भी पूरी तरह एक्टिंग करती है और कहती है तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। जब उसके करीब बैठता है सॉरी करता है तो उसके हाथ पकड़ लेती है। साथ को बहुत बुरा लगता है, वो फौरन से अपने हाथ छुड़ा लेता है। लेकिन वो कहती है कि तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरी तरफ अनम की सास ने उसकी जिंदगी अजाब कर दी है। वो कहती है तुम हार गई हो और मैं जीत गई हूँ। जबकि अनम कहती है कि सब्र का फल मीठा है। उसका शौहर भी उसको यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस मेरी माँ बड़ी हैं, उनकी बात जो है वो बर्दाश्त कर लिया करो। जबकि वो उसको कहता है कि आओ माँ से माफ़ी मांगे। तो दूसरी तरफ उसकी जो नंद है वो उसकी साइड लेती है और अपने भाई को कहती है कि भाई आंखें खोलें, जैसी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं चीज़ें वैसी नहीं हैं, ये सब कुछ ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ नगमा जो है वो साथ की माँ को फोन करके कहती है कि आबिद ने न सिर्फ मेरी जिंदगी तबाह की है, अब मेरी बेटी और उसके बच्चे की जिंदगी भी तबाह कर रहा है। साथ की माँ बच्चे का सुन के परेशान हो जाएगी और साथ को फोन करेगी मगर साथ नहीं आएगा और उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाएगी। जब साथ भागा भागा आएगा तो उसकी माँ जो है वो बेहोश हो जाएगी। नाजरीन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मजीद स्टोरी देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।